नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव गृह विज्ञान एमए के ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर में आज हम लोग का विषय है विकास। विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, विकास के क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। विकास के कुछ स्पेसिफिक सिद्धांत हैं, विकास के कुछ स्पेसिफिक नियम हैं जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर अलग अलग प्रदान किए हैं। आइए देखते हैं विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो विकास जो है वो कैसे हो रहा है, सिर से पांव की ओर हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि विकास जो होता है इसको कैसे समझेंगे हम, सिर से पांव की ओर हो रहा है। कोई भी बालक पहले लेटता है, पलटता है, फिर खिसकता है, खिसकने के बाद वो घुटने के बल होता है, उसके बाद वो बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर वो चलता है। ऐसा नहीं कि जन्म लिया और वो चलने लगा या भागने लगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका एक निश्चित क्रम है। दूसरा, विकास जो होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, यानी कि निकट से दूर क्रम में, यानी कि हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है, हमारा जो ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से दूर की ओर होने वाले विकास को हम प्राप्त करते हैं। केंद्र के पास जो चीज़ें पहले वो विकसित होती हैं, बाद में दूर की चीज़ें। जैसे हमने आपको अभी बताया था कि पहले हाथ आपका कार्य करेगा, बाद में आपकी उंगलियां काम करेंगी, तो आपके सुषुम्ना नाड़ी के पास आपका हाथ या कंधा या भुजा है, उसके बाद आपका पंजा है, फिर आपकी उंगलियां हैं, तो ये आपका केंद्र से दूर यानी केंद्र से परिधि की ओर के विकास को दर्शा रहा है। तो विकास का निश्चित क्रम हमने समझ लिया। अब विकास कैसे होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट मतलब क्या है कि पहले हम जनरल चीज़ों को सीखते हैं, फिर हम स्पेसिफिक चीज़ों को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा, तो पहले आपने साइकिल सीखा, फिर आपने स्कूटर चलाना सीखा, स्कूटर भी चला लिया आपने, साइकिल भी चला ली, तो उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे आपको हैंडल उसका मैनेज करना है, कैसे उसका बैलेंस करना है, ये बेसिक है, दोनों में ही आपने वो चीज़ें सीखी। और स्पेसिफिक क्या है कि साइकिल का आपको ब्रेक कहाँ लगाना है, स्कूटर का ब्रेक कहाँ लगाना है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों स्पेसिफिक हैं। ऐसे ही कोई भी प्रक्रिया हम जब सीखते हैं तो सामान्य क्रम में सीखते हैं, और फिर हम उस स्पेसिफिक उसकी जो क्रियाशीलता है या जो स्पेसिफिक जो उसमें क्रिया होनी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे आप पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, बाद में स्पेलिंग सीखते हैं, बाद में एक जैसी स्पेलिंग एक जैसे प्रोनंसिएशन वाले वर्डों को सीखते हैं, फिर उन दोनों में डिफरेंस करना सीखते हैं। आपको पैदा होते ही या स्कूल ज्वाइन करते ही ऐसा नहीं बताया जाता कि ये पर्यायवाची है, ये विलोम है, ये शब्द अर्थ हैं। पहले आपको शब्दों के बारे में बताया जाएगा, फिर उन शब्दों या उन शब्दों से क्या क्या वाक्य आप बना सकते हैं, उसका क्या प्रभाव होगा, कॉमा लगाने का क्या तात्पर्य है, फुल स्टॉप का क्या तात्पर्य है, ये सारी चीज़ें आप बाद में सीखते हैं। पहले आप खाली उसका बेस जानते हैं कि ए है ए मतलब ए, बी है बी मतलब बी, अ मतलब अ, आ मतलब आ, तो ये जो अंतर है स्पेसिफिक वो आप बाद में सीखते हो, सामान्य से विशिष्ट। ऐसे ही हम जब विकास की बात करेंगे कि विकास जो होता है वो विभिन्न भागों में होता है और उसकी गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अगर हम किसी पर्टिकुलर आयु में हैं तो हम विकास को तो प्राप्त करेंगे उस आयु में, लेकिन उसकी गति जरूरी नहीं है कि हमारे समान आयु के व्यक्ति में समान हो। हो सकता है कि जो गति हमने प्राप्त करी हो हमारे साथ ही जन्मा जो दूसरा बालक है उसकी गति बहुत तेज हो या उसकी गति बहुत धीमी हो। हो सकता है हमारी प्यूबर्टी पहले हो, उसकी प्यूबर्टी बाद में हो, हो सकता है हम पहले बोलने लगे, वो पहले चलने लगे, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो विकास का जो क्रम है वो जरूर निश्चित है, विकास विभिन्न भागों में भी होता है लेकिन उसकी हर भाग में गति भिन्न भिन्न होती है। अगर एक जैसी गति हो तो हाइट बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के हाथ पैर भी उतनी ही तेज़ी से बड़े हो जाएं, या हाइट अगर उसकी बढ़ी उसी प्रोपोर्शन उसका वज़न बढ़ता जाए, या हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा है लेकिन हाथ पैर बढ़ रहे हैं क्योंकि उम्र बढ़ रही है, तो सब चीज़ें अलग अलग हैं। विकास हो रहा है, विकास को गति मिल रही है, लेकिन गति जो है विभिन्न भागों में अलग अलग हो रही है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रेगुलर चलता है विकास। ऐसा नहीं है कि विकास आज हो रहा है कल नहीं होगा, या पार्टी में आप गए तो विकास रुक जाएगा, या आप सो गए तो विकास रुक जाएगा, आप घूमने चले गए तो विकास रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बस इसकी गति जो है वो धीमी तेज हो जाती है। जैसे जन्म से लेकर एक वर्ष की अवस्था में
आपका विकास तेजी से होता है, रैपिड ग्रोथ को आप प्राप्त करते हैं। दिन पर दिन आप नए नए चेंजेस बालक में देखेंगे, लेकिन जब वो बालक एक वर्ष क्रॉस कर लेता है, लगभग 1.5 से 2 साल का होता है, तब उसका विकास का क्रम जो है थोड़ा धीमा हो जाता है। 2 से 5 वर्ष में बालक की हाइट में, वेट में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बहुत थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन उसकी जो कौशल विकास है उसमें अंतर देखने को मिलता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं उसमें अंतर देखने को मिलता है। और ये दर्शाता है कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बस उसकी गति जो है वो धीमी और तेज हो रही है। विकास का विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध होता है। सहसंबंध से क्या तात्पर्य है? सहसंबंध का मतलब होता है कोरिलेशन। जैसे हमारा अगर किसी आयु विशेष में किसी विशेष प्रकार का विकास होना आवश्यक है, मान लीजिए हम किशोरावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और हमारी हाइट जो है वो एक निश्चित प्रतिमान तक पहुंच जानी चाहिए और वो नहीं पहुंच रही है, या हाइट बढ़ गई है मगर मानसिक रूप से हम उतने क्रियाशील नहीं रह गए हैं, क्योंकि विकास का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी चीज़ें उसमें शामिल हो रही हैं। हमारा सिर्फ शारीरिक विकास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे विकास हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन वो किस क्रम में होगा, कितनी मात्रा में होगा, ये हमारी आयु पर निर्भर करेगा कि हम कितने वर्ष की आयु के बालक या व्यक्ति हैं। तो विकास जो है विभिन्न क्षेत्रों में होगा, सहसंबंध है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ लंबा हो जाएगा या सिर्फ पैर लंबे हो जाएंगे, अगर हम उस अवस्था में हैं और उस अवस्था में हाथ पैर लंबे होने हैं तो गति धीमी हो सकती है मगर हाथ पैर लंबे होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विकास के जो प्रतिमान हैं उनमें व्यक्तिक भिन्नता होती है। व्यक्तिक भिन्नता से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिक भिन्नता से तात्पर्य है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअली हम अलग हैं। एक ही माता पिता की 2 संतानें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों का अगर दोनों एक साथ भी जन्मे, मान लीजिए दोनों जुड़वा बालक भी हैं, अभी हमने आपको जुड़वा बालक के बारे में नहीं बताया है लेकिन अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, मान लीजिए वो बालक जुड़वा भी हैं तो भी दोनों में अंतर होगा, दोनों का जो जीन कॉम्बिनेशन होगा वो डिफरेंट होगा। हो सकता है कि दोनों की शक्लें समान हों, दोनों की शक्लें भिन्न भिन्न हों, या फिर दोनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य अलग अलग हों, दोनों का नेचर अलग हो सकता है, दोनों का प्यूबर्टी टाइम अलग हो सकता है, दोनों का हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, फेशियल फीचर, सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। एक ही माता पिता के संतान हैं, खाने पीने का वातावरण भी समान है, रहन सहन भी समान है, लेकिन दोनों का व्यवहार भिन्न हो सकता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग पर निर्भर करता है। जेनेटिकली आप डिफरेंट हैं, आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए आरएनए है वो एक समान नहीं है। दोनों चीज़ें एक जैसी होते हुए भी, आप दोनों लड़के लड़के हैं या आप दोनों लड़की लड़की हैं, या आप सिंगल चाइल्ड हैं, आप लड़का या लड़की हैं, छोटे या बड़े भाई बहन के रूप में आप अपने भाई बहनों को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप लोगों में बहुत अंतर है। आप लोग एक साथ रहते हुए, एक जैसे दिखते हुए भी एक समान नहीं है, इंडिविजुअली आप डिफरेंट हैं। कोई गोरा काला होगा, कोई मोटा पतला होगा, कोई लंबा छोटा होगा, और सबका व्यवहार भी अलग होगा, सबके टेस्ट भी अलग होंगे, सबकी रुचियाँ भी अलग अलग होंगी। तो ये दर्शाता है कि हमारे अंदर व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जो विकास के प्रतिमान होते हैं उसमें स्थिरता होती है। विकास प्रतिमानों में स्थिरता से क्या तात्पर्य है? विकास प्रतिमानों में स्थिरता से तात्पर्य है कि जो विकास के प्रतिमान हैं वो जो हमने प्राप्त कर लिए हैं एक बार, वो हमारे स्थिर हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने हाइट को प्राप्त किया तो कल हम छोटे हो जाएंगे। हाइट प्राप्त कर ली मतलब प्राप्त कर ली, या हमने वेट प्राप्त करा तो वेट को हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड एज में एक स्टैंडर्ड हाइट और वेट जो होना है वो उससे कम नहीं होगा। अब मे बी आपका जो नेचर है उसके साथ साथ आपका जो नर्चर है, क्योंकि हमारा जो विकास है अभी हम उसके प्रभावित होने वाले तत्वों को भी आपको बताएंगे, उसके आधार पर हल्का, ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ऐसा हो सकता है। मगर जो प्रतिमान हमने प्राप्त कर लिए, मान लीजिए हमें लंबे होना है या डाइजेशन हमारा जो है 5 साल के बच्चे के बराबर हो गया, या दांत निकलने का क्रम जो है हमारा, दांत हमारे लगभग 6 माह से प्रारंभ होते हैं, चौथे माह से उसका स्टार्टिंग आप काउंट कर सकते हैं, चावल के दाने के बराबर दांत आपको चौथे माह में दिखाई पड़ जाएगा, 6ठे माह से 8वें माह के बीच में दांत
का विकास देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी लेटर डेवलपमेंट के चलते कुछ बच्चों में 12-13 महीने तक भी दांतों का विकास नहीं होता है। लेकिन अगर एक बार दांत निकल आए, टूटने के क्रम में तो टूटेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि आज निकलें कल वापस चले जाएंगे, परसों फिर निकलेंगे फिर वापस चले जाएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो ये दर्शाता है कि विकास के प्रतिमान स्थिर हैं, जिस प्रतिमान को प्राप्त कर चुके हैं वो प्रतिमान एज इट इज़ बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा है कि विकास प्रतिमान जो होते हैं उसमें स्थिरता होने के साथ साथ विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अपने एक स्पेसिफिक विशेषता यानी कि विशिष्ट विशेषता के साथ प्रदर्शित होती है। विशिष्ट विशेषता से क्या तात्पर्य है? हर अवस्था की एक विशिष्ट विशेषता है। जैसे अगर आपने किसी के बाल सफ़ेद देखे तो आप कहेंगे कि ये व्यक्ति इस आयु का है, बाल काले हैं तो इस आयु का होगा, चलना सीख रहा है तो इस आयु का है, या चल ले रहा है तो इस आयु का है, इतना लंबा है तो इस आयु का होगा। आप उसको देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये व्यक्ति विशेष ऐसा होगा। ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्ट हो, मगर आप उसके आसपास होंगे। अगर उसके सारे दांत टूट गए हैं तो वो व्यक्ति वृद्ध है, यदि उसके कुछ दांत टूटे हैं, नए दांत निकलने का प्रोसेस हो रहा है तो वो अभी 7-8 साल का या 10 साल तक का बच्चा है, यदि उसकी अकल दाढ़ निकल रही है तो वो लगभग 20-22 साल तक का मैक्सिमम होगा। तो ये जो आपने आइडेंटिफिकेशन बना रखा है कि ऐसा ऐसा विकास को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, बच्चे ने खाना सीख लिया, चलना सीख लिया, तो ये उसके विकास को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन वो किस अवस्था में वो क्रिया कर रहा है, ये उस अवस्था की एक विशिष्ट विशेषता के रूप में प्रदर्शित होगा। जैसे बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं, यदि 2 साल का बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो वो आपको बहुत अपीलिंग लगता है, बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अगर 10 साल का बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो वो आपको आकर्षक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से 10 साल के बालक को सही से बोलना आना चाहिए, यानी कि उसको उस विकास प्रतिमान तक पहुँच जाना चाहिए। तो ये असमानता में शामिल हो जाता है, लेकिन उस अवस्था में ये होना चाहिए, ये दर्शाता है कि ये इस अवस्था की विशिष्ट विशेषता है। जैसे किशोर अवस्था की हम बात करेंगे, किशोर अवस्था के बारे में बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे कोटेशन, बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत देखने को मिलते हैं। किशोर अवस्था को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? किशोर अवस्था जो है, दाढ़ी मूछें निकलने लगी, ठीक है, आपके एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर आने लगे, ये दर्शाता है कि आपकी किशोर अवस्था प्रारंभ हो गई है, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी हाइट में, वेट में, आपकी वॉइस, गर्ल्स की वॉइस जो है वो बहुत सॉफ्ट होती जाती है, बॉयज़ की वॉइस जो है हार्श होती जाती है, उनका वोकल कॉर्ड जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि आप किशोरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। आपके टेस्ट में चेंज आएगा, आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, आपका एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति और एक किशोर यदि समान मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे कि जो किशोर है वो इजीली डाइजेस्ट कर ले रहा है, उसके बाद भी उसकी ऊर्जा जो है और भोजन ग्रहण करने के लिए अभी है उसके शरीर में, लेकिन जो वयस्क है उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसकी शारीरिक स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये जो अंतर है ये दर्शाता है कि हम अपनी विशिष्ट अवस्था में विशेषताओं के साथ अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने विकास को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो विकास है उसमें विशेष रूप से जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, तो बाल्यावस्था हमारे जीवन की आधारशिला के रूप में जानी जाती है, यहीं से स्टार्टिंग होती है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम भविष्य में कैसा पढ़ेंगे, लिखना पढ़ना भी यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम किस हाथ से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, राइट हैंड से लिखेंगे, चलना सीख रहे हैं तो हम कैसे चलेंगे, नेचर हमारा कैसा होगा, या हम कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम क्रियाशील हैं या हम बहुत लेज़ी हैं, ये जो व्यवहार है ये हम बाल्यावस्था से ही अपने प्रदर्शन के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं और ये हमारे विकास को दर्शाता है। विकास में या विकास के क्रम में हम समस्यात्मक व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। समस्यात्मक व्यवहार से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यवहार जो कि सामान्य व्यवहार की दृष्टि में असमान दिखाई पड़े। जैसे मान लीजिए बच्चों को आदत होती है नाखून काटने की, नाखून जो है वो मुंह से चबाते हैं, मुंह से काटते हैं, तो ये असामान्य व्यवहार है। बेड वेटिंग करने की यानी कि बिस्तर गीला करने की आदत है, अगर बच्चे को प्रॉपर टॉयलेट ट्रेन नहीं किया गया है तो वो बिस्तर गीला करेगा,
में भी वो 12, 13, 14 वर्ष की आयु तक बिस्तर गीला करे या उसके बाद की अवस्था में भी वो बिस्तर गीला कर सकता है। ये समान क्रिया है कि वो यूरिन पास करे, लेकिन वो यूरिन कहाँ पास करे, कब पास करे, इसके लिए एक सिस्टम है। तो समान व्यवहार को जब हम असामान्य रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो असामान्य व्यवहार की श्रेणी में आता है। या अंगूठा चूसता है बालक, तो अंगूठा यदि वो चूस रहा है तो वो कैसे उसको अपने आप से दूर करेगा उस क्रिया से। अगर बहुत छोटा है, अंगूठा चूस रहा है, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है हम चाहते हैं कि वो अंगूठा ना चूसे, क्योंकि वो असमान व्यवहार की श्रेणी में आता है। या वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ रहा है, ये भी असमान व्यवहार में शामिल है। तो विकास के रूप में हम इसको भी पॉइंट आउट करते हैं कि विकास का जो व्यवहार होता है विकास के क्रम में, वो समस्यात्मक हो सकता है, वो विशेष अवधि में सामान्य हो सकता है और विशेष अवधि में असामान्य भी हो सकता है। विकास में संतुलन और असंतुलन की स्थिति भी देखने को मिलती है। संतुलन एवं असंतुलन जो है वो हमारी अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम विकास के क्रम में कितना संतुलन प्रदर्शित कर पा रहे हैं। यदि हम बाल्यावस्था में हैं तो हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। किशोरावस्था में देख समझ जान चुके हैं मगर मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। और जब हम वयस्कावस्था में आ जाते हैं तो हम चीज़ों को देख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, माना या नहीं माना उसी आधार पर भविष्य में हम अपनी क्रियाओं को करते हैं। तो ये हमारा विकास का सिद्धांत का एक क्रम है। इसके लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया है, जैसे कि सिगमंड फ्रॉयड, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, पावलोव, बेंडुरा और बहुत सारे स्किनर, अन्य मनोवैज्ञानिक जिनके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में हम आपको बता दें कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। हम अपने विकास के क्रम में शुरुआत कर रहे हैं। विकास को हमने जान लिया, विकास के सिद्धांतों को जान लिया, लेकिन हमारे विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो विकास को 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पहला है हमारा परिपक्वता और अधिगम। जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं वैसे वैसे हम अधिगम को प्राप्त करते जाते हैं। जितने ज़्यादा परिपक्व होंगे, अधिगम की जो प्रक्रिया होगी उतनी ही सरल होती जाएगी। हम परिपक्व होने के साथ अधिगम को अगर प्राप्त करते हैं तो अधिगम हमारा लंबे समय तक बना रहता है। यदि हम अपरिपक्व होते हैं और अधिगम को प्राप्त करते हैं तो अधिगम हमारा तत्कालिक रूप से तो रहता है लेकिन लेटर पीरियड में वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम चलना सीख रहे हैं, परिपक्व अभी नहीं हुए हैं, चलना सीखेंगे तो हो सकता है हम कई बार गिरें, 2-3 बार गिरें, लेकिन अगर हमें पता है कि हम ट्राईसाइकिल के साथ में या कोई सपोर्ट सिस्टम के साथ में अगर हम खड़े होंगे तो गिरने के चांसेस कम हैं। तो हमारा अधिगम जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम सीख रहे हैं तो वो लंबे समय तक बना रहेगा। हमारा दूसरी चीज़ होती है नेचर और नर्चर, यानी कि नेचर से मतलब है वातावरण और नर्चर से मतलब है पोषण। हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं और कैसे पोषण को प्राप्त कर रहे हैं ये हमारे विकास को प्रभावित करता है। यदि एक ही माता पिता की 2 संतानें हैं और उनको एक जैसा वातावरण नहीं दिया जा रहा है तो उनके विकास में अंतर देखने को मिलेगा। यदि एक जैसा पोषण नहीं दिया जा रहा है तो भी उनके विकास में अंतर देखने को मिलेगा। मान लीजिए 2 संतानें हैं, एक अमेरिका में पला बढ़ा और एक जो है इंडिया में पला बढ़ा, तो निश्चित रूप से वातावरण का प्रभाव रहेगा। उसका रंग इंडिया के मुकाबले अंतर होगा, उसकी हाइट में अंतर होगा
और उसकी डाइट में भी अंतर होगा, क्योंकि वातावरण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से पोषण, यदि हम उसको बहुत ज़्यादा पोषण दे रहे हैं तो उसके प्रभाव अलग देखने को मिलेंगे, यदि हम उसको सामान्य पोषण प्रदान कर रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग देखने को मिलेगा, और यदि हम उसको पोषण नहीं दे रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ है वातावरण और वंशानुक्रम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वातावरण और वंशानुक्रम भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। ये वो वातावरण है जिसमें हम सर्दी गर्मी धूप बरसात की बात नहीं कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्र की बात करेंगे। वंशानुक्रम यानी कि हमारे वंशानुक्रम में क्या चीज़ें हैं और हमें कैसा माहौल मिला। मान लीजिए वंशानुक्रम में हमें मिला कि हमें कोई पर्टिकुलर हाइट या पर्टिकुलर बीमारी या पर्टिकुलर आदत हमें प्राप्त हो गई वंशानुक्रम के रूप में, या हमें मान लीजिए लंबे बाल भूरी नीली आँखें प्राप्त हुई हैं वंशानुक्रम में, और हमें वैसा ही वातावरण भी मिल गया, हम अमेरिका चले गए, इंडिया में नहीं अमेरिका चले गए, तो हमारी नीली भूरी आँखें जो हैं वो वहाँ पर और ज़्यादा प्रभावित हो रहेंगी और ज़्यादा अच्छे रूप से प्रदर्शित हो पाएंगी और उसका प्रयोग भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमें वंशानुक्रम में नीली भूरी आँखें मिली लेकिन वातावरण नहीं मिल रहा है, ना पढ़ाई का, ना लाइट का, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो नीला भूरा प्रभाव जो है वो उतने अच्छे से प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। यहाँ पर वातावरण सिर्फ हमारे पोषण से संबंधित नहीं है, सिर्फ हमारी आदतों से संबंधित नहीं है, ये वातावरण हमारे व्यवहार ओवरऑल पर्सनैलिटी इसमें शामिल है, हमारा शरीर का जो गठन है वो भी इसमें शामिल है, हमारा जो मानसिक विकास है वो भी इसमें शामिल है, हमारा आर्थिक सामाजिक विकास भी इसमें शामिल है, हमारा शैक्षिक नैतिक विकास भी इसमें शामिल है। कि वंशानुक्रम में जो चीज़ें मिली है, मान लीजिए हमारे को वंशानुक्रम में मिला है कि हम बहुत ही अच्छे व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले हैं, हमारा नेचर बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि हमें ये हेरिडिटी में चीज़ें आ गई हैं। वैसे ये हेरिडिटी का पार्ट नहीं काउंट किया जाता है, हेरिडिटी में वो चीज़ें आती हैं जो हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे आँखों का रंग है, लंबाई है, या बालों का रंग है, या कुछ पर्टिकुलर बीमारियाँ। मान लीजिए हमें हेरिडिटी में मिला कि आईसाइट वीक होगी, आईसाइट वीक होना हेरिडिटी का पार्ट है, आईसाइट वीक होना आपके वंशानुक्रम में आपको प्राप्त हो गया, लेकिन वातावरण आपको अच्छा मिला है, वहाँ पे आपको शुरू से टीवी वीडियो से एक डिस्टेंस मेंटेन कराया गया, पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर एक डिस्टेंस दिया गया कि आपको इस डिस्टेंस से बैठ के पढ़ना है, आपकी बॉडी का पॉस्चर प्रॉपर रखा गया, तो वातावरण आपको ऐसा नहीं मिला कि आपकी आँखें वीक हो जाएँ। तो आँखें वीक होने का वंशानुक्रम में जो गुण आपको मिला है वो गुण देखने को मिलेगा लेकिन वो प्रभावित नहीं करेगा आपकी पर्सनैलिटी को। लेटर पीरियड में ये देखने को मिल सकता है कि वंशानुक्रम में जो गुण आपको मिला है वो आपके वातावरणीय प्रभाव की वजह से प्रदर्शित हो, लेकिन उसको प्रदर्शित होने में बहुत समय लगेगा। या कभी कभी आपको वर्णांधता का जो रोग है वो भी हेरिडिटी में, जिसमें कि आपको हरी और लाल लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने में दिक्कत आती है, ठीक है, आपको हरी और लाल लाइट जो है बहुत प्रॉपर क्लियर नहीं होती है, ये आपको हेरिडिटी में मिला है। और अगर आपको वैसा ही वातावरण भी मिल गया तो ये चीज़ आपकी आगे बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा वातावरण नहीं मिला आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हरे नीले से आपको कंसर्न ही नहीं कराया गया, तो आपका ये जो रोग है यहाँ पर वातावरण के प्रभाव से प्रदर्शित होगा मगर बहुत देर में होगा या नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ हमारे वंशानुक्रम में जो हमें मिली है वो यदि वातावरण नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगी। या मान लीजिए हाइट का है, तो यदि हम पहाड़ों पर जन्मे हैं, यदि हम मैदान में जन्मे हैं, तो हमें हाइट मिली है हेरिडिटी में, हमारे माता पिता लंबे हैं, हमें लंबे होने का गुण प्राप्त हो गया, लेकिन यदि हम पहाड़ों पर रहते हैं तो मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति की हाइट निश्चित रूप से कम होगी, मैदान वाले की हाइट ज़्यादा होगी, भले ही हेरिडिटी में एक ही माता पिता की दो संतानों को लंबाई का गुण प्राप्त हुआ हो। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही चीज़ें मिलकर हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं और हमारे विकास को प्रदर्शित करती हैं। विकास के क्रम में हमने आपको प्रभावित करने वाले तीन चीज़ें बताई, पहला हमने आपको क्या बताया, परिपक्वता और अधिगम, दूसरा हमने आपको बताया वातावरण और पोषण, तीसरा हमने आपको बताया वंशानुक्रम और वातावरण। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।